संदेसरा ग्रुप के खिलाफ 5000 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच कर रही ईडी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के घर पहुंची। एजेंसी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि वह सीनियर सिटीजन है और कोविड-19 गाइडलाइंस के कारण पूछताछ के लिए नहीं जा सकते। गुजरात की फार्मा कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक पर चल रहे लोन घोटाला के मामले के सिलसिले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। उसी मामले में शनिवार को ईडी ने कांग्रेस नेता अहमद पटेल से पूछताछ की। प्रमोटर संदेसरा बंधुओं से अहमद पटेल परिवार के संबंधों की जांच चल रही है। जांच एजेंसी ने अहमद पटेल के दामाद और बेटे के बाद खुद पटेल पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। खबरों की माने तो संदेसरा भाइयों ने फर्जी कंपनियों के जरिए पीएनबी से बड़ा घोटाला किया है। ईडी का दावा है कि नितिन संदेसरा, चेतन संदेसरा और दीप्ति संदेसरा ने मिलकर 14,500 करोड़ का घोटाला करने का काम किया है।